नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। राजधानी रांची में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन जेपीएससी अभ्यर्थी के द्वारा लगातार आमरण अनशन भी जारी है। इसी कड़ी को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन समक्ष। आप पहले तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि गुलाम के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। आज आठवां दिन है। हालांकि इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें रिम्स में भी एडमिट किया गया था। तो सीधा बात करते गुलाम से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज उनके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा। चूंकि हालांकि इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि इनके द्वारा आमरण अनशन अभी भी जारी है, कड़ाके की ठंड जो है वो राजधानी रांची में पड़ रही है। सबसे पहले तो गुलाम, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो पहले ठीक थी, रात तक ठीक था थोड़ा सा, लेकिन आज सुबह सुबह थोड़ा सा तबीयत मेरा ज़्यादा खराब लग रहा है, क्योंकि अब सुबह थोड़ा सा चक्कर जैसा भी लग रहा था और थोड़ा सा पीछे पीठ में मतलब बैकबोन जैसा भी हो गया है, थोड़ा सा दर्द भी आ गया, बैक पेन आ गया है और वैसे ही है, लेकिन अब ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। आपके हाथ में जो तख्ती है उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ना करके हमें हटाया क्यों, इसका क्या मतलब है गुलाम? सुप्रीम कोर्ट का आदेश का लीजिए या तो फिर लीजिए, हमारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का है, उस संविधान की आप बात करिए तो उस संविधान में साफ और स्पष्ट अक्षर में लिखा गया है आर्टिकल 19 में कि हम कहीं पर भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आमरण अनशन कर सकते हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन आज देखिए ना, हमें सबसे पहले जेपीएससी कार्यालय के बाहर से खदेड़ दिया गया, वहाँ से जब बापू वाटिका पहुँचे तो रात को ही वहाँ से भगा दिया गया, फिर बीते दो दिन पहले भी बापू वाटिका से जबरन मुझे भगा दिया गया, और फिर जब यहाँ आए तो यहाँ भी आज बीती जो रात है लगभग 10:30 बजे पुलिस यहाँ पर आती है, 8:30 बजे आती है, वार्निंग देकर जाती है और फिर 10:30 बजे आती है और यहाँ से फिर से भगा देती है। तो आखिर मुझे धरना प्रदर्शन कहाँ करने की अनुमति मिलेगी? मैं धरना प्रदर्शन करूँ तो करूँ कहाँ? मेरे पास जो दुख है, व्यथा है, वो मैं कहाँ व्यक्त करूँ? कहाँ जा कर बैठूँ? कहीं मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। जैसे ही लोग रहते हैं तो कुछ नहीं होता है उस समय, लेकिन जैसे भीड़ कम होती है, अकेले रहता हूँ तो फिर पुलिस आती है, धमकाती है, डराती है, डर लगता है कभी कभी कि पता नहीं किस राज्य में जी रहे हैं हम। हमारा खुद का राज्य ही लगता है कि हमारे हाथों से छीना जा चुका है। हम अपना आवाज़ को भी अगर उठाते हैं तो उसे ये इस आवाज़ को दबाने का एक कितना बड़ा षड्यंत्र और प्रयास किया जा रहा है बताइए। तो हमें आखिर शांतिपूर्ण तरीके से भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जाना देगा तो कब देगा? कोई युवा अगर उग्र हो तो मानते हैं कि हाँ चलो उन्होंने उल्लंघन किया है, नियमों का हनन किया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बोलती है, ऐसा चार्ज लगाती है और बोलती है कि जब मैंने कहा कि सर आप लोग तो मुझे बार बार उठा रहे हैं तो आखिर मुझे ले करके हमको बैठने के लिए जगह दीजिए, इतना आप लोग मुझे तड़पाते क्यों हैं, इतना हम मुझे आप लोग परेशान क्यों कर रहे हैं, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों करते हैं? तो बोलते हैं टॉर्चर क्या होता तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा कि सर आप लोग लगातार जो मेरे ऊपर इतना शोषण कर रहे हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि शोषण क्या होता है तुम्हें नहीं पता। पुलिस वाले खुद बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हें थर्ड डिग्री पड़ेगी उस दिन तुमको समझ में आएगा कि प्रताड़ना किसको बोलते हैं। तो बताइए हम जैसे जो अनशन किया हुआ उससे भी ज़्यादा थर्ड डिग्री क्या मिलेगी मुझे, बताइए ना। जो पिछले 8 दिन से मैं भूखा प्यासा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, तो उसके लिए भी कोई थर्ड डिग्री मान ही रखेगा? लेकिन उसके बाद भी मुझे धमकाती है कि थर्ड डिग्री करेंगे तब तुमको पता चलेगा। तो दुख है मुझे, आखिर कहाँ धरना प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा? आखिर करें तो करें कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम आप जहाँ भी आमरण अनशन कर रहे हैं वहाँ से आपको हटा दिया जा रहा है, सरकार की क्या मंशा लग रही है इसमें गुलाम? वही तो सोच नहीं पा रहे कि सरकार आखिर क्या चाह रही है। और मुझे मेरे साथियों को बोलती है कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के द्वारा खरीदे गए ये लोग हैं। तो बताइए, मैंने कंधे से कंधा मिला करके इस हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोगों ने खड़ा किया है और मुझे आज इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। आज भी मैं हिम्मत रखता हूँ कि ये जेएमएम जो पार्टी है ना, जिस दिन बिखर जाएगी ना उस दिन मैं खुद खड़ा कर सकता हूँ जेएमएम पार्टी को, क्योंकि हम लोगों ने इतना प्रचार प्रसार किया ही है। दुमका हो, बेरमो हो, बरहेट हो, साहेबगंज हो, कहीं पे भी हो, गोमिया हो, हर जगह हम लोगों ने इस पार्टी का प्रचार किया है और वहाँ पे इलेक्शन लड़वाया, जिताया है, सरकार को खड़ा किया। और आज हमें उल्टा सुल्टा बोलती है कि बीजेपी से पैसे लेके ये लोग बैठे हुए हैं। ये इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पैदल मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी बयान आया है कि आप लोग बाहरी लोग हैं और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। बाहरी कहाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ सरकार को कि मेरे पास ताम्रपत्र भी है उस समय का, जब अंग्रेजों के ज़माने में मुझे मिलता था, मेरे दादा परदादा को मिला था, वो ताम्रपत्र भी मेरे पास है कि और हम लोग, वो बयां करता है कि हम लोग पूरी तरह से मूलवासी हैं। मैं मिथिलेश ठाकुर जी को वो बोलना चाहूँगा कि आप 1932 का खतियान लागू करिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मिथिलेश ठाकुर जी खुद बाहर हो जाएंगे। वो खुद आज जो बोल रहे हैं ना बाहरी भित्री, ये केवल बाहरी भित्री कर करके झारखंड के युवाओं का तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ST SC OBC और जो UR कैटेगरी के स्टूडेंट है वो आपस में एक साथ मिल करके ना लड़े, अपना आवाज़ को मजबूती से ना उठाएं,
बस केवल एक ये एक सोची समझी रणनीति है, बस केवल ये एक गुमराह करने का एक चाल है और कुछ नहीं। सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। इस दो साल के कार्यकाल में सरकार अपना उपलब्धि गिनवाने जा रही है और मैं इस दो साल के कार्यकाल में सरकार को अगर रैंक दिया जाए 5 स्टार अगर बोला जाए तो मैं इसे सरकार को -5 स्टार दूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। बहुत नीच हो चुकी है ये सरकार, हेमंत सोरेन जी बहुत नीच हो चुके हैं, बेशरम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नियुक्ति वर्ष कहाँ गया। 5 लाख नियुक्ति का बात किए थे, नहीं दिया। चलो कोरोना काल था, लेकिन ये जो अभी सामान्य समय आ चुका है उसके बाद भी नियुक्ति नहीं। 20 हम लोगों ने जब फरवरी माह में सरकार से सवाल पूछा तो कहा कि नहीं नहीं इस साल नियुक्ति वर्ष होगा। नियुक्ति वर्ष घोषित तो कर दिया, लेकिन नियुक्ति वर्ष केवल अब हमारे साथ यहाँ पे केवल और केवल 10 दिन बचे हुए हैं। इस 10 दिन में क्या कर देंगे? उसके बाद भी देखिए यहाँ पे बसंत सोरेन का बयान आता है कि 10 दिन बहुत है जेएमएम के लिए नियुक्ति करने के लिए। किसका नियुक्ति करेंगे? पंचायत सचिव का वैकेंसी लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। टीचर वाला पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। कुछ तो नियुक्ति ले नहीं पाए। ऊपर से बहुत सारा वैकेंसी ऐसा था जिसको आपने रद्द करवा दिया है, और एक छठी सातवीं जेपीएससी आप ले पाए तो उसमें भी 1000 को बीमारी निकल गया है और उस बीमारी को दूर नहीं कर पाए। उसका इलाज है ही नहीं उस बीमारी का। उस बीमारी का इलाज यही है कि पूरा का पूरा बॉडी को ही सर्जरी करना पड़ेगा, पूरा जेपीएससी को ही भंग करना पड़ेगा। तो दुख है हमें, सरकार इतना बोलती है लेकिन करती तो कुछ नहीं है ना। आगे अब आपको क्या करना है गुलाम? ऐसे आपका तो आमरण अनशन है, आप यहीं पे रहिएगा, डटे हुए रहिएगा जब तक आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है। मैं ऐसे ही रहूंगा जब तक से मेरी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, मैं लड़ते रहूंगा जब तक से मेरे जान में जान रहेगा। मैं इस तानाशाह सरकार का विरोध करूंगा, भ्रष्टाचार का विरोध करूंगा, बेरोजगारी का विरोध करूंगा, कुपोषण का विरोध करूंगा, अशिक्षा का विरोध करूंगा, क्योंकि इस सरकार के आने के बाद से ये सारे चीज़ प्रथम स्थान पर आ चुके हैं। तो मैं इस तमाम चीज़ों का यहाँ पे इस झारखंड से विरोध करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और तमाम युवाओं को एक मंच पे एक साथ लाने का मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि सारे युवा जागिए, ट्विटर कैंपेन व्हाट्सअप वीचैट और यूट्यूब से बाहर निकलिए। समय आ गया है सड़क पर उतरने का, सड़क पर उतरिए, एक साथ एकजुट उतरिए, क्योंकि अब हमारे झारखंड में युवाओं के लिए कोई नहीं सोच रहा है। आपको खुद सोचना होगा, झारखंड के लिए आप खुद गांधी बनिए, खुद सुभाष चंद्र बोस बनिए, खुद बिरसा मुंडा बनिए, तभी आपकी नियुक्ति हो पाएगी। सभी साथियों से अपील है कि आप सब जल्दी बाहर आइए, समय नहीं है हमारे पास, हमें लड़ना होगा सरकार से, हमें नियुक्ति चाहिए, हमें इस जेपीएससी को रद्द करवाना है। सब साथी सामने आइए, आप सभी साथियों का बहुत बेसब्री से यहाँ इंतजार किया जा रहा है, आप सामने आइए साथियों। तो अभी आपने सुना कि जेपीएससी के अभ्यर्थी गुलाम, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती, इनके द्वारा आमरण अनशन इसी तरह किया जाएगा। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इनकी जो मांग है उसे कब तक पूरा करती है। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बायोस्कोप रांची।